गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास फोर्थ का चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीन्स मतलब साधन होता है और कम्युनिकेशन मतलब संवाद की, संवाद मतलब बातचीत, आप बातचीत करने के, संपर्क करने के, है ना, और एक दूसरे से आप किस तरह से संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। तो उसके साधन देखेंगे हम, कैसे कैसे संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर ओपन करना है आपको 103 मतलब 103। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करेंगे। बिसाइड टॉकिंग टू ईच अदर डायरेक्टली देयर आर वेरियस वेज बाई विच ह्यूमन बींग्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। बात करने के अलावा भी डायरेक्टली हम एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं, संवाद कर सकते हैं अलग अलग माध्यमों से, है ना, वेरियस वेज अलग अलग माध्यम हैं। दे डू दिस बाई, कैसे कर सकते हैं हम, बाई राइटिंग लेटर्स, लेटर्स लिख के कर सकते हैं, मेकिंग टेलीफोन कॉल्स, टेलीफोन के द्वारा कर सकते हैं, एक्सचेंजिंग मेमोरीज एंड आइडियाज़ थ्रू द इंटरनेट, और इंटरनेट के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। ऑल दीज मैथड्स डैट वी यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यही जो साधन है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को अपने आइडियाज़ बताते हैं, उनके सुनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मीन्स मतलब साधन होता है, तो कम्युनिकेशन के साधन उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, जैसे लेटर हो गया, टेलीफोन हो गया, ये क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, यहाँ देखिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेटर्स लर्न अबाउट सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेट आर कॉमनली यूज बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से कम्युनिकेट के जो मीन्स हैं वो हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले देखिए पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस मतलब पोस्ट कार्ड जिसमें आते हैं, ये पोस्ट ऑफिस से संबंधित होते हैं, है ना। द इंडिया पोस्टल सर्विस इज नोन एज इंडिया पोस्ट, जो इंडियन पोस्टल सर्विस है उसको इंडिया पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। इट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, ये किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, इंडिया की सरकार का होता है, है ना। इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ नियरली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया में लगभग 1.5 मतलब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज है। द इंडिया पोस्ट नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जो इंडिया का ये पोस्टल सर्विस है ये वर्ल्ड में पहले नंबर पे सबसे बड़ा है। ठीक है, और किसी देश का इतना बड़ा पोस्टल नेटवर्क नहीं है। वी यूज पोस्ट कार्ड इन लैंड लेटर्स एंड स्टम्प्ड एनवेलप्स, हम क्या यूज करते हैं, ये देखिए पोस्ट कार्ड है, इनलैंड लेटर है, आप लोगों ने पता नहीं देखे कि नहीं देखे, लेकिन हम जब छोटे थे तो हम लोग ये यूज करते थे। ठीक है, जब हम एक दूसरे से दूर रहते हैं किसी से, तो हम इनको भेज के उनसे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये पोस्ट कार्ड है, स्टम्प्ड एनवेलप है, ये सारी चीज़ें यूज होती है। दीज आर अवेलेबल एट द पोस्ट ऑफिस, ये कहाँ मिलती है आपको, पोस्ट ऑफिस में। सम प्राइवेट कंपनीज आल्सो प्रोवाइड कुरियर सर्विस फॉर पोस्टल सर्विस इन इंडिया। अब कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हो गई है जो ये सर्विस देती है, है ना, कुरियर सर्विस, उसका नाम है कुरियर सर्विस। ट्रेन्स, एरोप्लेन एंड शिप आर यूज बाय द पोस्टल सर्विस फॉर सेंडिंग लेटर्स टू प्लेसेस डेट आर फार ऑफ, जो प्लेसेस स्थान बहुत दूर होते हैं उनके लिए क्या क्या यूज होता है, ट्रेन के माध्यम से भेजा जाता है इनको, एरोप्लेन्स के माध्यम से भेजा जाता है, और शिप्स के माध्यम से। ठीक है, दूर के स्थानों में। आप देखिए यहाँ पर लिखा है फैक्ट फाइल में क्या है, द स्पीड पोस्ट सर्विस ऑफ द इंडियन पोस्ट अलाउज यू टू सेंड लेटर्स एंड पार्सल फास्टर देन द ऑर्डिनरी पोस्ट, जो स्पीड पोस्ट है ये यही इंडिया ही पोस्ट देती है सर्विस, और इसमें क्या होता है, स्पीड पोस्ट में आपका सामान बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम पेज नंबर 104 देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा है टेलीफोन एंड मोबाइल, टेलीफोन एंड मोबाइल फोन्स,
अब इनमें क्या है, द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन ब्राउट अ बिग रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। अब आसान, बहुत आसान हो गया कम्युनिकेट करना दूर के लोगों के साथ। इट अलाउड पीपल टू टॉक टू दियर फ्रेंड्स। इसके बाद क्या हो गया, लोग अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव जो रिश्तेदार हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, उनसे आसानी से क्या कर सकते थे, बातें कर सकते थे। अब क्या करना पड़ेगा आपको, बस एक नंबर डायल करना है और आप किसी से भी बातें कर सकते हैं, है ना। डायलिंग अ नंबर पीपल हु स्टे इन अदर स्टेट ऑफ आवर कंट्री कैन बी कॉल्ड यूजिंग द, अगर हमारे देश में कोई अलग कंट्री में, अलग स्टेट में रहता है तो उसके लिए स्टडी लगता था, है ना, पहले स्टडी करना पड़ता था। सब्सक्राइबर टंग डायलिंग बोलते हैं उसको, और जो दूसरे देश में रहते हैं उनसे अगर हमको बात करना है फॉरेन कंट्री में तो उसके लिए ISD लगता है, मतलब इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। इन द रिसेंट पास्ट टेलीफोन सर्विस इन आवर कंट्री हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑफ वायरलेस मोबाइल नेटवर्क। अब क्या हो गया, मोबाइल जो पहले टेलीफोन होते थे अब वायरलेस हो गए, अब तार नहीं होती है, अब वो क्या हो गया, मोबाइल हो गए। डेट हैव मेड मोबाइल फोन्स वेरी पॉपुलर। अब क्या हो गया, मोबाइल हो गए जो आपके पास रहते हैं वो क्या है, मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं। द न्यू जनरेशन ऑफ मोबाइल फोन्स आर नोन एज स्मार्टफोन्स, और इन फोन को क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन बोलते हैं। दे हैव अ कैमरा, उनमें क्या क्या होता है, कैमरा होता है, ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड सोशल नेटवर्किंग एक्सेस, ये सारी चीज़ें होती है उसको, में उसी को क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन। आप देखिए यहाँ पे एनी, इसको छोड़ देते हैं, इसमें लिखा है कि ISD अगर आपको किसी दूसरे कंट्री में फ़ोन करना है तो ISD लगता है, और इसके लिए आपको ये डायल करना पड़ता है। अगर आपने स्टेट में आपको फ़ोन करना है दूसरे स्टेट्स में तो ये डायल करना पड़ता है, ओके। नंबर इन इंडिया फ्रॉम अब्रॉड मस्ट प्रीफिक्स, अगर आपको इंडिया में ही कॉल करना है तो 091 लगता है, है ना, पहले 91 दबाना पड़ता है फिर नंबर दबाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए ईमेल एंड इंटरनेट, ईमेल और इंटरनेट में क्या है, ईमेल आप लोग जानते हैं, इंटरनेट भी जानते हैं, यूज करते हैं आप लोग, है ना, आजकल तो सारा काम किससे होता है, यही सारी चीज़ें से होता है, इंटरनेट तो सबको चाहिए होता है। कम्युनिकेटिंग थ्रू द इंटरनेट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। आजकल जो कम्युनिकेट हो रहा है ज़्यादातर किसके द्वारा हो रहा है, इंटरनेट के द्वारा, जैसे व्हाट्सअप करते हैं आप, फेसबुक चलाते हैं, ये सब क्या है, इंटरनेट तो है। द इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का ये इंटरनेशनल नेटवर्क है पूरे दुनिया में, है ना। द असिमिलेशन ऑफ द इंटरनेट विथ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ रिवोलाइज्ड द एंटायर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वन कैन ईजिली। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो ये हो गया इंटरनेट से कंप्यूटर को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, और इसके द्वारा हम वीडियोस, मैसेज एंड अदर फाइल्स अक्रॉस अलॉन्ग डिस्टेंस, फाइल जो दूर थ्रू द ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के द्वारा भेज सकते हैं, है ना। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम बहुत फास्ट क्या कर सकते हैं, सबसे तेज़ी से मैसेज भेज सकते हैं। इफ़ एनी वन वॉन्ट टू फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है रिलेटेड टू एनी थिंग और किसी से संबंधित, इट कैन बी डन ईजिली थ्रू द इंटरनेट, उसको आसानी से इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कुछ आप जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, इंटरनेट गूगल में सर्च करेंगे, एक मिनट में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। वी कैन बुक होटल्स, अगर आपको होटल्स बुक करना है, सेंड मैसेज भेजना है, एंड फाइंड मैप्स को ढूंढना है, एंड लुक फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको कोई भी सूचना चाहिए, यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW होता है ना, इसके द्वारा आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं गूगल के द्वारा, ओके। ये देखिए यहाँ पे दिया है, पिक्चर दी है साइबर कैफे की। अब एक है फैक्स और फैसिमाइल, मतलब ये क्या है, देखिए अब फैक्स, फैसिमाइल और फैक्स इज अ वे ऑफ सेंडिंग मैसेज, इसके द्वारा भी मैसेज भेजते हैं अक्रॉस डिस्टेंस, इस दूर के लिए मैसेज थ्रू फैक्स मशीन। इसमें कैसा होता है मैसेज, कैसे जाता है, फैक्स मशीन के द्वारा, फैक्स मशीन में करना पड़ता है, रीच इंस्टेंटली और एक मिनट में पहुंच जाता है ये भी। दीज मशीन फंक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन्स, और ये मशीन कैसे काम करती है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से, ठीक है।
तो आज हम यही कर रहे हैं, आप जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप उसी भी कम देखते हैं तो और कम देखेंगे, तो दो क्लास में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए आज कंप्लीट आज के लिए इतना ही।